दोस्तों आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक से अपने खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हालांकि दोस्तों अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में खाता नहीं है या फिर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का खाता खुलवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसे आपको कोटक महिंद्रा बैंक से किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत ही इजी है। आपको सिंपल सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, और जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसफ़र मनी, तो आपको सिंपल यहां पर ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करना होगा। आप जो भी आपने अपना एम पिन बनाया है वो आपको टाइप करना होगा, मोबाइल पिन। चलिए हम यहां पर मोबाइल पिन टाइप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन आपको तभी शो करेगा अगर आपने पहले से ऑलरेडी यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कैसे आपको पहली बार लॉगिन करना है कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर एम पिन टाइप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आएगा, तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ पर दिखेगा सेंड मनी, तो आपको सिंपल यहाँ पर सेंड मनी पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर दिखेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना अकाउंट ऐड करना है। जिनको भी आप पैसा भेज रहे हैं उनका अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर दिखेगा ऐड बेनिफिशियरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखिएगा जिनको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको सबसे पहले उनका बैंक को सेलेक्ट करना है कि किस बैंक में उनका अकाउंट है जिनको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहां पर पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लिया है, और यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपसे पूछेगा कि IFSC कोड क्या है बैंक का। तो जिनको भी आप पैसा भेज रहे हैं उनसे आप IFSC कोड मांग लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर टाइप करना है जो भी उनका अकाउंट नंबर है, और उसके बाद आपको वही अकाउंट नंबर उनका दोबारा से टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका नाम टाइप करना होगा, निक नेम, और उसके बाद चाहे तो आप उनका फुल नेम टाइप कर लेंगे जो आप उनके बैंक खाते में है। उसके बाद दोस्तों उनका अकाउंट यहाँ पर जो है सेविंग है करंट है, तो लगभग सभी का अकाउंट ज़्यादातर सेविंग होता है। तो उसके बाद जैसे आप सेविंग्स कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो है टिक करना है, और जैसे आप टिक करेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमने सारे के सारे डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर लिया है, अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपके सामने दोबारा से डिटेल आएगी, आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो सही है या नहीं है, आपने एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे से सबमिट कर लेते हैं। चलिए हमने सबमिट किया, और जैसे आप यहां पर सबमिट करेंगे उसके बाद यहां पर देखिएगा आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। अब आपके नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड आया होगा, आपको सिंपल उस कोड को यहां पर टाइप करना है। चलिए हमारे पास कोड आ चुका है, अब हम उसको यहां पर टाइप कर लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों देखिएगा उसके बाद आपको यहां पर जो है इसको एक्टिवेट करना है, और जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं यहां पर देखिएगा बेनिफिशियरी एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है जो भी हमने यहां पर जो है ऐड किया था। ओके करेंगे, और जैसे आप ओके करते हैं अब यहां पर आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र नाउ, तो जैसे आप यहां पर ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे पूछता है कि आप कितना पैसा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है आप अमाउंट टाइप कर देंगे। जैसे हमें 1000 ट्रांसफ़र करना है, और किसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको बाद में ध्यान रहता है कि आपने किसको पैसा ट्रांसफ़र किया था। हम खुद के अकाउंट में भेज रहे हैं तो हमने यहाँ पर सेल्फ लिख दिया है। उसके बाद हम नीचे से इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे हमने क्लिक किया अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे IMPS, NFT। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पर IMPS का, यानी कि इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है 2,00,000 रुपये तक। तो आपको सिंपल इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे से कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करते ही दोबारा से एक बार डिटेल चेक कर लेंगे, एक बार आपको दोबारा कन्फर्म करना है, और यहाँ पर कन्फर्म एंड पे आपको क्लिक करना होगा।
अब जो भी आपका एम पिन है, मोबाइल पिन है, आपको दोबारा से यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इजिली पैसा ट्रांसफर हो चुका है और आपके सामने इस तरीके से दिख चुका है कि पेमेंट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कोटक महिंद्रा बैंक से किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर प्रेस कर देना।